नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लॉगर्स विद टाइगर्स में। और मैं आपका होस्ट एंड दोस्त हर्ष उपाध्याय। और आज हमारे साथ आए हमारे साथी हनी पंडित। और आज हम ऐसे लोकेशन पे आए हैं जहाँ पे बताते हैं कि दिन के उजाले में तो चहल पहल रहती है, पर रात के समय में यहाँ किसी का रुकना मुमकिन नहीं होता, ना ही यहाँ एक जानवर का। क्योंकि बताते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे हादसे हुए हैं कि जिसकी वजह से आज भी लोगों को, यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को गूंजे सुनाई देती है। जैसे कि हम आपको एक बार ये लोकेशन का दिखा दें, कैमरामैन जी हमारे ये लोकेशन दिखा दीजिए। तो ये देखिए, ये है लोकेशन। दिन के उजाले में तो ये लोकेशन एकदम बढ़िया लगती है, पर रात के उजाले में आप इस लोकेशन पे एक बार आके देखिए ना, आपकी हालत ख़राब हो तो बोलिए। यहाँ बगल में रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन पे कई हादसे हुए, कई लोग मरे। तो लीजिए गाइस, हम लोग आ चुके अपने लोकेशन पे, जहाँ पे बताते हैं यहाँ के निवासी कि यहाँ पे रोज़ रात को आवाज़ें गूंजती है, यहाँ तक कि परछाई भी दिखती है। और बताते हैं कि जो वो ट्यूबवेल है, वहीं पे एक परछाई दिखती है काली सी। हम आपको भी उस ट्यूबवेल के पास ले जा रहे हैं। और यहाँ पे हमने बात कर लोगों से बात करी, लोगों से पता चला कि यहाँ पे 5-6 साल पहले एक बंदे की हत्या हुई थी। और तकरीबन 15 साल पहले एक लड़के ने, यहाँ इसी गांव का रहने वाला था, उस लड़के ने यहाँ पे खुदकुशी की थी। मतलब एक जगह पे दो हादसे, क्या देख के लग सकता है कि इस नेचर के, भगवान का दिया हुआ नेचर, ऐसे नेचर में कुछ हो सकता है? क्या आपको लगता है देख के? हम लोग वही देखने आज हम पता करने हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि नहीं है। तो आइए हम आपको उस ट्यूबवेल के पास ले चलते हैं जहाँ पे परछाई दिखती है। तो लीजिए, हम आ चुके हैं उस ट्यूबवेल पे, और आज आपको दिखाते हैं, ये है वो ट्यूबवेल जहाँ बताते हैं कि रोज़ रात को यहीं पे साया बैठा रहता है। इसी जगह पे हमें यहाँ के निवासियों के पता चला, और यहीं से उस लड़के ने खुदकुशी की थी। हम आइए एक बार दिखाते हैं आपको कुएं का जरा नज़ारा, दिखाते आइए कैमरा मैन दिखाइए। अभी हमारे एक साथी गए हुए हैं इस पार्क का मुआयना करने, इस जंगल का मुआयना करने कि यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं। अभी वो आएंगे, उनका भी रिव्यू लेंगे हम कि उनके क्या बात है। तो ये है वो जगह, देखिए। मुझे ना लगता कि यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, बट मुझे यहाँ पे सुना ही सुनने में ही आया हूँ। और इसके लिए हम एक बार ज़रूर आएंगे यहाँ पे पता करने कि यहाँ पे कुछ ऐसा है कि नहीं। और हम अपनी टीम के साथ आएंगे यहाँ पे एक सारे इक्विपमेंट्स लेके, और हम ये बताएंगे कि ये एक छलावा है या असलियत। हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों ने जैसा हमारा ब्लॉग देखा, आपको एक डाउट तो जरूर हुआ हो कि इसमें साउंड क्वालिटी इतनी धीमी क्यों। तो उसका रीज़न ये था कि हम जो अपना माइक थे वो भूल गए अपने घर, और लोकेशन में बिना माइक के पहुंच गए। अब दिक्कत यही पड़ गई। दिक्कत तो हमें भी आई ब्लॉगिंग करने में, फिर भी हमने कहा कोई नहीं होगा तो लास्ट में कर देंगे, बस आगे से हम ध्यान रखेंगे हम अपना माइक ज़रूर लेके जाएं। बट आप उस लोकेशन के बारे में थोड़ा मैं इसी में बता दूं, तो लोकेशन तो हमें किसी ने बताया था कि एक बार आप वहाँ जाके चेकआउट कीजिए कि वहाँ सही में ऐसा कुछ है कि नहीं या सिर्फ एक छलावा है। तो हम एक बार वहाँ पर जाके चेकआउट किए, हमने पूरा लोकेशन एक्सप्लोर किया, यहाँ तक कि हमने अगल बगल गाँव वालों से भी कुछ पूछा, पर गांव वाले भी यही कह रहे कि भैया हमें रोज़ रात को काला साया दिखता है उस ट्यूबवेल पे, और आवाज़ भी सुनाई देती है। हमने उनसे एक बार को ये भी कहा कि हो सकता है कोई आपके साथ मजाक करना चाह रहा हो, या हो सकता है कोई आपको धोखा हुआ हो। पर उन्होंने कहा कि गांव के कुछ लोग काम से ऐसे रात के टाइम आते हैं, तो उनके साथ भी कभी कभार कुछ ना कुछ हादसा हुआ है। हमने कहा हो सकता है भाई। तो हमने फिर एक बार चेक किया, पूरा लोकेशन हमने चेकआउट किया, यहाँ तक कि मेरे साथ ही अकेले खुद उधर देखे, कुछ भी ऐसा फील ना हुआ हो, जैसे कि कुछ भी ऐसा कोई फील हो जैसे कि यहाँ कुछ है या कुछ नहीं, कोई हमारे साथ कर रहा है, हमें कोई भी ऐसा फील नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग अभी इस मुकाम पे नहीं पहुँचे कि सच है कि झूठ है। तो अभी तक हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि वहाँ है भी कि नहीं है। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि एक बार हम उस लोकेशन पर दोबारा जाएंगे, और वहाँ अब की बार हम दिन में नहीं जाएंगे, अब की बार हम रात में जाएंगे, वो भी 8-9 बंदों की टीम के साथ, वो भी अपने इक्विपमेंट्स के साथ, ताकि हम चेक कर सकें कि वहाँ पे ऐसा कुछ है कि नहीं है। दूसरा पार्ट आने में थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि उससे पहले हम 2-4 जगह की ब्लॉगिंग और करेंगे इसलिए। बट अब की बार हम जाएंगे तो पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, और एक बार हम जाके पता करेंगे कि वहाँ पे सच है कि झूठ है, ताकि हम चाहते हैं कि कोई धोखे में ना रहे, हो सकता है कोई धोखे में रह रहा हो इसलिए। तो बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं ब्लॉगिंग के लिए, तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन दे दी जाएगी। इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, फॉलो करिए, और साथ ही साथ हमें मैसेज करिए, कॉन्टैक्ट करिए, अगर आप हमारे साथ भी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, साथ चलना चाहते हैं तो।
और अगर आपके नियर बाई में भी कोई ऐसी हॉन्टेड प्लेस जगह है जहां आपको लगता है कि है और आप चेकआउट करवाना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज करिए, हम खुद आएंगे वहां।